केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना उधम सिंह नगर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत संतुलित उर्वरक एवं पोषक तत्वों के प्रयोग से मिट्टी की सेहत में सुधार हो रहा है। इस कारण किसानों की लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उधम सिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के 70 ग्रामों को चयनित किया गया है। इन गांवों की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को लिया गया है, जिसके अंतर्गत अभी जो हमको कार्य योजना प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत मृदा नमूना एकत्रीकरण का काम के निर्देश प्राप्त हुए हैं। हमारे उधम सिंह नगर जिले में 70 गांव इसमें चयनित किए गए हैं, जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह कमी थी। इसमें हम लगभग 6,600 मृदा नमूने एकत्र करेंगे और उनको सप्ताह भर के अंदर उनको संबंधित लेबोरेटरी को भेजा जाएगा, जहां उनका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के जो भी रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर किसानों को संस्तुति दी जाएगी। जो फसल वो लेना चाहते हैं तो उसे क्लियर कट ये हो जाएगा कि हमारे सॉइल में क्या है इस समय न्यूट्रिएंट। बागवाला निवासी किसान हरगोविंद सिंह का कहना है कि लगभग 8 माह पूर्व अपनी भूमि का मृदा परीक्षण कराया था। परीक्षण के उपरांत भूमि में फास्फोरस और न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई गई। कृषि विभाग के सुझावों के अनुसार उर्वरकों की कमी पूरी करने पर भूमि की उत्पादकता बढ़ गई है। सरकार की एक अच्छी योजना है। 8-9 महीना पहले भूमि परीक्षण कराया था, जिसमें फास्फोरस और कुछ और कमी आई थी, उसमें हम पूरा किया। डालने से हमको फसल बहुत बढ़िया निकला और बढ़िया रहा उसे, और अगले फसल के लिए हम फिर से भूमि का परीक्षण करवा रहा हूँ। एक अन्य किसान योगेश तिवारी का कहना है कि हमने पहले भी अपनी जमीन की मिट्टी की जांच कराई थी, जिसमें उर्वरकों और पोषक तत्वों की कमी पाई गई, जिसको पूरा करने के उपरांत फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की इस योजना से हम छोटे काश्तकारों को काफी लाभ पहुंच रहा है। मृदा परीक्षण कराया था पहले भी और आज भी हो रहा है। पहले हम लोगों ने कराया था तो जो कमियां निकली थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने उर्वरकों का प्रयोग किया। जो जो कमी थी उसी हिसाब से उर्वरक जैसा हम लोगों को निर्देशित किया गया तो हम लोगों ने डाला, उससे उपज में हम लोगों का अच्छा उत्पादन मिला। और फिर हम लोग आज जाँच करा रहे हैं, जैसा भी सलाह देंगे कृषि विभाग के लोग उसी हिसाब से उर्वरकों को भी प्रयोग किया जाएगा। काश्तकार जमुना प्रसाद ने बताया कि हमें मिट्टी के जांच के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला, जिसके हिसाब से अपनी फसल में खाद्य एवं पोषक तत्वों का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। द्वारा हमारे मिट्टी का परीक्षण हुआ है, जो उसमें कमी हुई उसको हम पूरा करके अच्छा पैदावार मिला है और इसी तरह से हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरिए हम उस मिट्टी का जांच कराते रहेंगे।